वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटे को ढेर सारा प्यार बड़ों को पहलवाना जी गाइस। टाइम हो रहा है 11:15। आजकल मैं बड़ी जल्दी मिल रही हूँ आपसे क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी चले जाते हैं, तो मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया और 11:15 बजे तक मेरी आपसे गुड मॉर्निंग हो जाती है। आज एक्चुअली सुबह सुबह ना मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ना आज मेरे बाहर के काम बहुत हैं। मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं है, ना मेरा ना आरफ का, तो हम दोनों के फ़ोन रिचार्ज करवाने हैं। थोड़ा रात को बनाने के लिए नॉनवेज लाना है, लेकिन वो मुझे जाकर लाना पड़ेगा, ऑर्डर घर पे नहीं आएगा। नंबर 3 देसी घी बिल्कुल ख़त्म हो गया। नंबर 4 चावल बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लेने जाना पड़ेगा। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो घर के काम रुक जाते हैं, रात को बेटी को लेने जाना पड़ सकता है, कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, अभी जाऊँ रात को जाऊँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और घर भी बिखरा पड़ा है पूरा। तो चलिए मैं सोच रही हूँ, डामाडोल हो रही हूँ, डामाडोल मतलब कन्फ्यूज्ड हो रही हूँ कि पहले घर के काम निपटाती हूँ फटाफट, अगर टाइम हुआ, क्योंकि नहाना धोना भी होता है, अगर टाइम हुआ तो बाजार निकल जाऊंगी, नहीं तो फिर शाम को देखेंगे, देखी जाएगी। तो चलिए हम करते हैं हमारे दिन की शुरुआत आपके साथ ढेर सारे प्यार के साथ। A few moments later. Guys, बाहर इतनी गर्मी है ना, बुरा हाल है। और रिलायंस से मैंने सारा सामान ले लिया, अभी मैं आई हूँ चिकन लेने के लिए, और यहाँ से छोटा मोटा और सामान है प्याज वगैरह वो लेते हुए मैं घर जाऊंगी, और फिर कुछ देखूंगी, ठंडा जूस वगैरह पैक करा लूंगी आराम और अपने लिए। तो चलिए बाजार से घर चलते हैं। गाइज़ अभी मैं आई हूँ गन्ने की जूस की शॉप पे जो हमारे घर के जस्ट बाहर ही है, और मैं 2 ग्लास पैक करा के घर ले जाऊंगी ताकि आराम भी पी सके, उसका भी फेवरेट है। तो बस अब बहुत गर्मी में घूम ली, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, तो मैं भागूंगी घर। गाइज फाइनली मैं घर पहुंची हूँ, अभी 2:45 हो रहे हैं और इतनी गर्मी थी ना, हालत ख़राब हो गई और मेरा फिर पोपट हो गया। मैंने गन्ने के जूस के 2 ग्लास पैक कराए थे, थैली टांगी थी, जैसे ही मैं घर पहुंची थैली धड़ाम से सड़क पर गिरी और दोनों ग्लास गन्ने के जूस के सड़क पर बह गए। तो अब आरव को मैंने बॉटल लेके भेजा कि तू बॉटल में भरवा के लाओ, बहुत बहुत मन हो रहा है गन्ने का जूस पीने का ठंडा ठंडा। वो गया स्कूटी पे और 2 बॉटल लेकर गए भरवा के लाने के लिए। तो मैं आपको सामान दिखाती हूँ, इतना सामान था कि स्कूटी में नहीं आ रहा था। ये देखिए गाइस, ये सारा सामान मैं अभी लेकर आई हूँ, देसी घी, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर, इसमें है चिकन, और ये क्या है, अच्छा ये वो मेडिसिन है खटमल वगैरह की, ये है राइस, प्याज, टमाटर, बच्चों के चिप्स वगैरह, और ये खरबूजा फ्रूट। तो ये सारा सामान बस मैं लेकर आई हूँ अभी, और ये स्कूटी में रखने की जगह ही नहीं थी, स्कूटी पूरी भरी पड़ी थी मेरी। बस अब आरव फटाफट गन्ने का जूस ले आया, मैं गन्ने का जूस पीऊँ और भागूँ नहाने। देखिए आरव अब लेकर आया 2 ग्लास गन्ने का जूस और अब हम पीने लगे हैं, और ये है हमारी ब्रूनी, इसको नहीं पिलाना। गाइज ये देखिए मेरा आज दोपहर का लंच में क्या खा रही हूँ, बेचारा गरीब बंदा, आई मीन बेचारी गरीब बंदी, 2-3 ब्रेड गर्म करके सेकी और चाय, क्योंकि गर्मी से ना मेरा हाल सर दर्द बड़ा भयंकर हो रहा है, और इसीलिए ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है दिन में निकलने में। ये रहा ब्रूनो, ये रहा टीवी, बोरे बज गए 4। ओके आरव कह रहे मैं नहीं। फाइनली गाइज मैं अभी फ्री हुई हूँ, मतलब पढ़ाकर नहीं, नहा धोकर, और आज पता है मैंने अपने बालों के साथ कर लिया कमाल, कमाल मतलब बेहाल। मैं हमेशा बालों में कुछ ना कुछ ऑयल, अंडा या दही लगाकर ही सर धोती हूँ, ये मेरा एक मस्ट हैव वाला रूटीन है। क्योंकि आप ये मेरे बाल देखो, ये देख रहे हो, ये हैं पूरे मैगी नूडल्स टाइप के बाल। अब ऐसे बालों को जो अनमैनेजेबल होते हैं, मैं कैराटिन कराऊं तो सॉल्यूशन है, बट कैराटिन कराने के बाद कैराटिन मास्क, कैराटिन शैम्पू, कैराटिन कंडीशनर, ये मेरे बस की तो है नहीं, एंड आई कांट अफोर्ड, द थिंग इज दैट। तो इसीलिए मैं, और वैसे भी मैं आयुर्वेदिक और घरेलू चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं कराती, मैं बिल्कुल नहीं कराती। अरे थ्रेडिंग तक कराने नहीं जाती, वो भी घर पर ट्रिमर लाकर अपनी आईब्रोज, अपर लिप सब खुद ही करता है। डरा दिया इसने मेरे को। तो अभी इसको खाना खिला के हटी हूँ, बाल बाल सूख गए तो मैंने भूख लिए हैं, लेकिन आज ये बहुत अनमैनेजेबल हो रहे हैं। तो जो मैंने हेयर सीरम बना रखा है ना घर पे अपना, वो राइस वाटर वाला, वही खूब सारा लगाया, उसको अच्छे से बालों में रब किया, और तब जाके बाल मेरे बंधे हैं, वरना आज बाल बहुत अनमैनेजेबल हो रहे हैं। अब कल या परसों जब भी सर धोना होगा, कुछ ना कुछ लगाने के बाद ही ये हेड वॉश करूँगी। दिन में बाहर निकल जाऊँ ना, मेरा सारा दिन का रूटीन गड़बड़ा जाता है। पर अभी बच्चे आने वाले हैं और टाइम हो रहा है मेरी ब्लैक कॉफ़ी बनाने का, तो बहुत ज़रूरी है, बाहर गर्मी से ना हेडेक बहुत हो जाती है। और यार मैंने अभी जस्ट देखा, एक मेरी बहुत ही प्यारी से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे एग पॉकेट परांठा की रेसिपी दोबारा से पूछी है। यार आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको अभी तक रिप्लाई तक नहीं किया, बट मैंने देखा ही अभी है, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैं आपको अब आज तो नहीं, लेकिन कल मैं आरफ के लिए बनाऊंगी मॉर्निंग में नाश्ते में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये वाली ना थोड़ी सी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि सिंगल एग परांठा बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन डबल अंडे डालकर, मतलब डबल एग परांठा आपको बनाना हो, हैवी होता है, हेल्दी होता है, प्रोटीन क्वांटिटी बहुत होती है, और वो बनाने में थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाना पड़ता है, वो मेरे हस्बैंड भी नहीं बना सकते, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं आपको वो कल दिखाऊंगी बनाते हुए। और रात को मैं रात के लिए कबाब ले आई हूँ,
साथ में बनाऊंगी मूंगी मसर की दाल, वो बहुत टेस्टी लगती है उसके साथ। और कल रात के लिए भी मैंने चिकन ले लिया, तो चलो वो भी कल रात की भी टेंशन खत्म। ब्रूनो ना मुझे घूर के देख रहा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, कि कैमरा उसकी तरफ ना आ जाए, फिर शांत होकर बैठ जाएगा। अभी तो भाग रहा है, तो मैं दिखाऊँ, देखो देखो एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, आके बैठ गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ये बदमाश बॉल से खेल रहा था। जैसे इसने देखा कि मैंने कैमरा ऑन किया, ये यहाँ आके टिक के बैठ गया, ये बड़ा बदमाश। और अब बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, तो मैं फटाफट ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। एक तरफ बनेगी मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी, जो मुझे मस्ट हैव है, और मैं आपको ज़रूर कल दिखाऊंगी एक पॉकेट पराठा की रेसिपी, जो आपको अगर पसंद आएगी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा लपेटा लपाटी वाला दुपट्टा और ग्लव्स सूख रहे हैं पसीने से, बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। तो चलिए चलते हैं किचन में, बाकी सबसे मीठा समाटी हो गई है, ब्रूनो को भी खाना खिला दिया। एक्चुअल मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि मेरी स्पीड अच्छी है, एक्चुअल में अच्छी है। मुझे पता है मेरे पास टाइम लिमिट बहुत बाउंडेशन में होता है, और मुझे काम ज़्यादा होते हैं, मैं भर 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 भर, भर काम टाइम पे करती हूँ, मेरा काम कभी लेट नहीं होता, टच वुड। तो चलिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, और आरफ के लिए भी आज ब्लैक कॉफ़ी पीने का उसका मन है, तो बनाते हैं। गाइस फाइनली मैं अभी पढ़ाकर फ्री हुई हूँ, और जो हमारे नए बदमाश हैं जो ब्रूनो से डरते थे ना, आज सारे ब्रूनो के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी पलटन, ये निकम्मे जो पहले इससे इतना डरते थे, अब इसके साथ बैठ के देखो कैसे खेल रहे हैं। और ये कितने प्यार से बैठा हुआ है इनके साथ, वरुण, ओ वरुण, वरुण तेरे को तो सबसे ज्यादा डर लगता था इससे, है ब्रूनो शेक हैंड कर रहा है इनके, कैसे बैठा हुआ बीच में, देखो बिस्किट करता है, बिस्किट दे दी इसको, हमने सारे खिला दिए, चलो और देती हूँ मैं, रुको देखो ये एक एक करके इसको बिस्किट खिलाने में लगे हैं, ये देखो पकड़ो वरुण, तेरे को काट लेगा वो देख, है ना वरुण, नहीं काटता वो, तो किसी को नहीं काटता। ये देखो ये भी बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, मैं किससे लूं और किससे ना लूं। ट्यूशन के बच्चे तो हमारे सारे चले गए, और आज बच्चों ने ब्रूनो के साथ खूब मस्ती की, और जो इतना डरते थे ना ब्रूनो से, आज वो सब बड़े खुश, दीदी ये तो काटता ही नहीं है, मैंने कहा कटवाऊं तो मैं काटता नहीं है, तो वो एक्चुअल में नहीं काटता, ये प्यार करता है, चढ़ता है ऊपर प्यार करने के लिए, बिल्कुल किसी को नहीं काटता, और आज तक उसने टच वुड किसी को नहीं काटा। बट अब वो एनिमल है, जानवर है, अगर आप उसको छेड़ोगे या डंडा दिखाओगे तो माइंड पे ही कैन बी अग्रेसिव, बट वो एक्चुअल में किसी को नहीं काटता, दिस इज द फैक्ट, वो बहुत प्यार करता है। और गाइज मैंने दाल बना ली मूंगी मसर की, क्योंकि कबाब्स के साथ ना ये लाइट दाल जो होती है बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे हस्बैंड को अभी तक पता ही नहीं है कि मैंने क्या बनाना है, आज मैंने उनसे डिस्कस भी नहीं किया, तो इसलिए उनको बिल्कुल नहीं पता कि आज कबाब्स घर पे आए हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश होकर खाते हैं कबाब। और फिर भी पता ही रहते हैं, मेरा ध्यान ही नहीं रखती, जब देखो एक ही रिकॉर्ड चलता है इनका, ध्यान नहीं रखती, और कैसे ध्यान रखूँ मैं इनका। तो चावल मैंने बना लिए, एक तरफ बेटी का कॉल आ गया कि वो ऑफिस से निकल गई है, आई मीन सैलून से निकल गई है, तो आरफ जाएगा उसको लेने। अब मैं गूंद रही हूँ आटा, और आटा गूंदने से पहले ना मुझे आटे वाला ड्रम भरना पड़ा, वो खाली पड़ा था, और इस बार मैंने आटा देखिए कौन सा मंगवाया था, आटा मंगवाया था पिल्सबरी का, मल्टीग्रेन वाला पिल्सबरी का, वरना ज़्यादातर आशीर्वाद का ही आता है। गाइज आप लोग भी ना मल्टीग्रेन आटा खाया कीजिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल आटा, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना, बहुत लेक्चर देती हूँ ना, मैं टीचर हूँ ना, आदत है, क्या करूँ। तो चलिए मैं आप फटाफट आटा गूंदती हूँ, और ये देखिए पहले दाल की शक्ल ऑसम बनी है, ये देखिए गाइज दाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि दाल है ना एक टाइम के ऊपर कोई ज़्यादा खाएगा नहीं, तो इसलिए दाल बस इतनी बनाई है कि रात रात को हो जाए, सुबह के लिए सुबह के देखेंगे। और यहाँ मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ दाल के बाद, ये देखिए गाइस आटा गूंदने लगी, और मैंने दूध डाला हुआ है थोड़ा सा ताकि आटा सॉफ्ट रहे, और इधर कुकर में चावल बन गए हैं, तो खाना आजकल बहुत टाइम से बन जाता है, अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड भी आ गए, बेटी भी आ गई, बच्चों को मैंने खाना एक्चुअली खिला दिया है, और अब है हस्बैंड को खाना देने की बारी, तो अब मैं व्लॉग करूँगी एंड, और मैं आपको दिखा दूँ दाल तो मैंने बना ली थी, कबाब वगैरह, और एक्चुअल में ना बड़े दिनों बाद कबाब लाई हूँ मैं, और कबाब के साथ मूंगी मसूर की दाल आप एक बार बना के देखिएगा, लाइट एंड हेल्दी दाल है, और कबाब के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए चटपटे यम्मी कबाब्स, चटनी, दाल और प्याज, ये है हमारा आज का डिनर विद रोटी एंड राइस। आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड आप सबके साथ, मिलूंगी आपसे कल अपने नए व्लॉग में, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और अभी है टाइम फैमिली के साथ बैठकर सीरीज देखने का। आजकल हमने सीरीज ढूंढी है जियो सिनेमा पे, सुनू असुर ना, हाँ असुर पार्ट टू, और एक्सीलेंट सीरीज है, नीट एंड क्लीन, कोई बेहूदगी नहीं, कोई गाली गलौच नहीं ना, बड़ी साफ सुथरी सीरीज है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल, ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।